कारण यह है कि पिछले 12 दिनों के सॉरी 2 हफ्तों के 12 बार तेल दी कीमत वधाई गई, मतलब अज पेट्रोल हैज़ क्रॉस्ड 100 रुपीज द लीटर एंड सिमिलरली डीजल इज ऑलसो बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डनरी फार्मर्स एंड नॉर्मल कंज्यूमर्स। कला तेल दी कीमतें नहीं, गैस सिलेंडर दी कीमतें, कैरोसिन ऑयल दी कीमतें, रोज़मर्रा दी चीज़ा जिहड़ियां भारत में मिलदियां ने वो आम व्यक्ति के पहुँच तो बाहर है। और ये पिछे मैं नीति कहना चाहता वहाँ कि भारत के राज करन वालों की नीति दे विच खोट। अगर तुसी एक इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी है ऑक्सफैम उसकी रिपोर्ट से तुसी झात मारोगे, ऑक्सफैम कहती है कि इंडिया विल नैवर बी एबल टू मेक टेंजिबल प्रोग्रेस बिकॉज देर इज एक्सट्रीम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जरा पाड़ा वा गरीब के अमीर का वो गांह तो गांह वधदा जा रहा वा। देखो ये तो बड़ी वड्डी एक परख की घड़ी आ रही है केजरीवाल के सामने कि साडा पानी जिहड़ा दरियावां दा वो ऑलरेडी दिल्ली इस्तेमाल कर रहा वा और सतलुज यमुना लिंक के राही साडा बकाया पानी भी हरियाणा ते दिल्ली नूं लेके जाना चाहुंदे ने। ये तो एक उन्होंने इम्तिहान की घड़ी है। दूसरा मैं कहना चाहता वा कि जिहड़े राज्यसभा के मैंबर्स भी बनाए ने वो बहुत गलत काम किया आम आदमी पार्टी ने, उहदे च बहुत सारे व्यक्ति इदां दे जिन्हां दा पंजाब नाल कोई सरोकार नहीं गा, जिन्हां दा आम आदमी पार्टी नाल कोई सरोकार नहीं। तुसीं पंजाब दे जज्बातां नाल खेड रहे हो, तुसीं इत्थे तां गांधी जी की फोटो लवाती चंडीगढ़ के सैक्रेटेरिएट चों, पर गुजरात जाण वास्ते कोई गांधी जी दे चरखा कत्त के तो उत्थे फोटोआं खिचा के की कहना चाहुंदे। और लास्टली एक बहुत बेतुका बयान दिता कि जी मैं भ्रिष्टाचार भगवंत मान ने 10 दिनों खत्म करता। देखो अज्ज दा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सीगा कि जिहड़ी प्राइस राइज हो रही है, बहुत ज़्यादा इनफ्लेशन हो रही इंडिया दे विच, उहदा विरोध किया जाए सारे डिस्ट्रिक्ट लैवल हेडक्वार्टर्स से। उसनों लैके अज असी सारे नवतेज सिंह चीमा साढ़े प्रेजिडेंट डी सी सी दे रमेश डडवंडी जी और सारी भलथ की लीडरशिप, फगवाड़े की लीडरशिप, सुल्तानपुर की लीडरशिप इतने पहुंची हुई है कपूरथले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कारण यह है कि पिछले 12 दिनों के सॉरी 2 हफ्तों के 12 बार तेल दी कीमतें वधाई गई, मतलब अज पेट्रोल हैज़ क्रॉस्ड 100 रुपीज द लीटर एंड सिमिलरली डीजल इज़ ऑलसो बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डनरी फार्मर्स एंड नॉर्मल कंज्यूमर्स। लगभग 92-93 रुपए डीजल पहुँच गया वा। कि इन्नी महंगाई में आम आदमी अपनी जिंदगी दे दो वक्त की रोटी खा सकता वा? कला तेल दी कीमतें नहीं, गैस सिलेंडर दी कीमतें, कैरोसिन ऑयल दी कीमतें, रोज़मर्रा दी चीज़ा जिहड़ियां भारत में मिल रही ने वो आम व्यक्ति के पहुँच तो बाहर है। और ये पिछे मैं नीति कहना चाहता वा कि भारत के राज करन वालों की नीति दे विच खोट है। उन्होंने इस तरह की नीतियां बनाईया कि उन्होंने जिहड़े कारपोरेट कराने ने वो सारे व्यापार उन्होंने उपर हैंड ओवर कर दते ने। अगर तुसी एक इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी है ऑक्सफैम उसकी रिपोर्ट से तुसी झात मारोगे, ऑक्सफैम कहती है कि इंडिया विल नैवर बी एबल टू मेक टेंजिबल प्रोग्रेस बिकॉज देर इज़ एक्सट्रीम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जरा पाड़ा वा गरीब के अमीर का वो गांह तो गांह वधदा जा रहा वा। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल सरमाया जड़ा है वैल्थ है इंडिया की 73% वैल्थ, सुनने वाली गल है 73% वैल्थ सरमाया स्रोत केवल 1 पैसे लोगों के कोल, 73% भारत की वैल्थ सिर्फ 1% लोगों के कोल। कारपोरेट तो है ही आ, ये करप्ट पॉलिटिशन भी आ, ये करप्ट ऑफिसर्स भी ने, यह एक एड्डा वड्डा नैक्सस बन चुका वा उन्हां लोगों का जिहड़े लोगों ने सारे भारत को एक पासे खलो। बाकी 99 पैसे कोल केवल 27% स्रोत है भारत में। कि इन्हां को तरक्की कर सकता, कभी किसी की गुरबत निकल सकती है? इस करके बीजेपी के केंद्र सरकार दी नीतियां बहुत एंटी पीपल ने। और उन्होंने ठीक है इस देश को जात पात धर्म के आधार पर वंड के अपना जिहड़ा सियासी उन्हां दा कारोबार है वह चल रहा वा, परंतु जे आम आदमी की गल करिए आप भारत में तो वो इस वक्त बहुत बुरी हालत है। वो बहुत दरड़िया होया वा, वो बहुत कुचलिया होया वा, वो दे बच्चों का वो अपना भविख जिहड़ा बहुत इस वक्त खतरे के माहौल में। खैर साहब नवी सरकार आपकी इजलास भी हो गया एक दिन का, चंडीगढ़ के इशू में लैके हजे तक की समझते हो की कुछ असं कर पाए हैं कि? देखो चंडीगढ़ में की होया वा कि एटलीस्ट एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने तो सारिया पार्टियां ने लिया कि असी पंजाब की विधानसभा रेजोल्यूशन पास करके मोदी को भेजता। पर याद रहे कि इदा के मते पहला कई बार पे हुए हैं। मैं आई वॉज रिमाइंडेड बाय वन ऑफ द मैंबरस कि 6 मते इदा के पहला चंडीगढ़ के हक में जा चुके हैं। सो यह मतलब मैं उत्थे बोलदिया भी किया सीगा, मैं भगवंत मान को कि ठीक है तुम मता पाता असं नाल तुहाडे, पर यह मते तो नहीं छड़ देनी गल, यह बहुत साढ़े इंपोर्टेंट इशू आ, यह पोलीटिकल इशू आ साढ़े सूबे का, साढ़े बच्चों का भविख है, ये क्योंकि राजधानी असी बनाई सी, साडा पंजाब दे पिंड पंजाबी बोलते खरड़ तहसील के उजड़े सके, एक इंच भी धरती हिंदी स्पीकिंग नहीं उजड़ी,
लेकिन कैपिटल साझा करता हरियाणा ना, इसलिए अगर इतने छड़ देंगे तो असीं पंजाब नाल वितकरा करांगे, धोखा करांगे। अगर इस मुद्दे नूं असीं लॉजिकल कंकलूजन तक लैके जावांगे तो फिर असीं अपने हितां दी राखी कर सकांगे। लॉजिकल कंकलूजन मीन स्ट्रेट वे कि सानूं प्राइम मिनिस्टर नूं मिलना चाहिए वा ऑल पार्टी डेलीगेशन लैके, नहीं मानते तो वो घर के बाहर धरना देना चाहिए वा, फिर भी नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मूव करके जो साढ़े ना कानूनी तौर पर इन्होंने वितकरा किया, क्योंकि ये यूनिलैटरल लॉ सीगा, ये यूनिलैटरल डिसीजन है। जिहड़े स्टेक होल्डर आ हरियाणा ते पंजाब, इन्हां नूं पुछया नहीं किसी ने, चलो फर्जी पुछ लेंदे पावां हरियाणे नूं बुला के, पंजाब नूं पुछना चाहिदा सी कि असीं पंजाब केंद्र दे कुल टोटल इंपलॉइज़ नूं अपने अधीन करन लगे कि तुसीं सहमत हो। इस करके दिस इज़ ए यूनिलैटरल डिसीजन, इट इज़ आर्बिट्रेरी, इट इज़ एरोनियस, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, अनएक्सैप्टेबल टू द पीपल ऑफ पंजाब, और इसको असं रद्द करा के हटा। एस वाई एल एक अहम मुद्दा होना, साड़ी सरकार दी पार्टी हरियाणा च भी इलेक्शन लड़ रही है, दोनों को देखो, ये तो बड़ी वड्डी एक परख की घड़ी आ रही है केजरीवाल के सामने कि साडा पानी जिहड़ा दरियावां दा वो ऑलरेडी दिल्ली इस्तेमाल कर रहा वा, और सतलुज यमुना लिंक के राही साडा बकाया पानी भी हरियाणा तो दिल्ली में लेके जाना चाहते ने, इसका असं डट के विरोध करांगे। हुण इह उन्हां ते डिपेंड करदा वा कि वह किदां इस नूं करदे ने, क्योंकि वह हरियाणे ते दिल्ली च भी उन्हां दा इंट्रस्ट पोलिटिकल हैगा वा, ते इह तां इक उन्हां दा इम्तिहान दी घड़ी आ। दूसरा मैं कहना चाहुंदा वा कि जिहड़े राज्य सभा दे मैंबर्स भी बनाए ने वह बहुत गलत काम कीता आम आदमी पार्टी ने, उहदे च बहुत सारे व्यक्ति इदां दे जिन्हां दा पंजाब नाल कोई सरोकार नहीं गा, जिन्हां दा आम आदमी पार्टी नाल कोई सरोकार नहीं, जिन्हां नूं कोई इंट्रस्ट नहीं गा, धनवान ताकतवर अमीर आदमी, वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां दे मालक, वड्डे वड्डे प्रॉपर्टी डीलर, इन्हां दा पॉलिटिक्स नाल की तअल्लुकात सीगा। साडा मेरा इल्जाम है कि ये पैसे लेके आम आदमी पार्टी ने बनाए ने, इन्होंने पहला भी दो जिहड़े गुप्ते बनाए से राज्यसभा दिल्ली उत्थे भी पैसे ले सी, हुण केजरीवाल कहेगा जी प्रूफ लेके रहो, हुण प्रूफ तो केजरीवाल साहब तुहाडे को आप ही होगा, तुसीं दस सकदे हो, तुहाडी आत्मा दस सकदी है, असीं तां जो लोगों की कचहरी में सुन रहे हैं बरूहां दे उत्ते गलियां कूचियां दे विच के जिहड़ियां राज्यसभा दीआं सीटां आम आदमी पार्टी ने वेचियां, क्योंकि इन्हां दा तुलक कोई नहीं सीगा, तुहाडे लवली यूनिवर्सिटी का जिहड़ा है मिस्टर मित्तल उहदा आम आदमी नाल की तुलक सी, कदी पंजाब लई बोलिया, ही आफ्टर ऑल इज़ अ बिजनेसमैन, ही सेलिंग एजुकेशन, ही इज़ नॉट डूइंग एनी चैरिटी एज सच। जिहड़ा सनी अरोड़ा कोई पता नहीं गुप्ता बनाया उहदा की तुलक सी आम आदमी पार्टी ने, इस करके साडे लोगों के मन च खदशा वा, तुसीं पंजाब दे जज्बातां नाल खेड रहे हो, तुसीं इत्थे तां गांधी जी की फोटो लवाती चंडीगढ़ के सैक्रटेरीअट चों, पर गुजरात जाण वास्ते कोई गांधी जी दे चरखा कत्त के तो उत्थों फोटोआं खिचा के की कहना चाहुंदे। और लास्टली एक बहुत बेतुका बयान दिता कि जी मैं भ्रिष्टाचार भगवंत मान ने दसा दिनों खत्म करता, ये हासोहीनी नहीं, सिर्फ एक रिस्पोंसिबल पोजिशन पर बैठे एक चीफ मिनिस्टर वर्गे बंदे नूं इदां दा बयान नहीं देना चाहिए बेतुका, क्योंकि मेरा मनना कि जिहड़ा टोल फ्री नंबर एंटी करप्शन दिता सी भगवंत मान ने, उहदे च लगभग 1.5 लाख कंप्लेंट पेंडिंग है, सिर्फ 3 आदमियों ते परचा होया, इहदा मतलब 1,49,997 करप्शन दीआं कंप्लेंट्स पेंडिंग है। दैन हाउ कैन यू क्लेम दैट करप्शन हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम पंजाब। इस तरह के जेडे ये कि वन लाइनर स्टेटमेंट्स दे के लोगों को भरमा के दे आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी। आने वाले समय च आई एम वेरी श्योर कि आम आदमी पार्टी जिस तरह ना चल जा रही है ये बहुत जल्दी लोगों की कचहरी में एक्सपोज हो जाएगी। कैसा आखिरी सवाल गल कांग्रेस की करते हैं, अच्छे धरने लग रहे हैं पंजाब कांग्रेस को प्रधान नहीं विधानसभा ही तुहाडे को एल ओ पी नहीं, कितने कितने कशमकश भी जारी है, तुहाडा नाम भी अगे एल ओ पी लई चर्चावां दे विच नवजोत सिद्धू द्वारा प्रधान बनाने की चर्चा भी है, तुसीं किस तरह देखो? देखो गल है कि यह पार्टी ने डिसाइड करना वा, और दे आर सीज्ड ऑफ द मैटर, पांच जिले पांच सूबों के जिते हार हुई सी उन्होंने प्रेजिडेंट दे इस्तीफे लए ने, पंजाब दे विच वेरी शॉर्टली कारपोरेशन दीआं इलैक्शन अनाउंस होण जा रहीआं ने, उस तों बाद साडीआं जिहड़ीआं लोकल बॉडीज़ दीआं होर इलैक्शन जां पंचायतां दीआं, इस करके मैं उम्मीद करदा कि आने वाले चंद दिनों के फैसला ले लेंगे, और फैसला मेरिट ते होना चाहिए, क्योंकि पंजाब दे विच एक बहुत वड्डा इलैक्टोरेट ने मैसेज दिता कि वी वॉन्ट अ कंप्लीट चेंज, देयरफोर द कंप्लीट चेंज वुड ओनली मीन कि तुसीं फ्रैश ब्लड नूं पंजाब दे विच मौका दिओ। चर्चा तुहाडे नाल दी नवजोत सिद्धू नाल तुसीं, मैं देखो इस तरह वा कि मेरी चर्चा मैं भी देख रहा वा कि सोशल मीडिया ते आप मुहारे लोग बहुत कर रहे हैं, वो इस करके कर रहे हैं क्योंकि मैं बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पिछले 2017-18 में अपना काम किया, लोगों को यह भरोसा वा कि अगर इस जिम्मेवारी मिलेगी तो यह ईमानदारी तो तनदेही तो निडरता के नाल अपनी जिम्मेवारी का दी पालना करेगा। सो मैं मेरे बाकी भी सारे मेरे कोलीग्स ने साडे भरा ने वो देखते कि पार्टी किस बना, जिस भी बनाएंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। नवजोत सिद्धू बारे निजी राय? नवजोत अच्छे है, दोस्त ने मेरे, अच्छे लीडर ने, पढ़े लिखे ने, बेदाग ने, ऑनेस्ट ने, सो जिहड़ा समा उन्होंने मिलिया बहुत थोड़ा सीगा ड्यूरिंग इलेक्शन और उहदे बहुत खपखाना रहा। आई पर्सनली फील के अच्छा आदमी है, अगर इन्हों पंजाब दे विच होर मौका दिता जाए तो कोई हर्ज नहीं गा, और इस तरह के
व्यक्ति आम तौर पर पोलीटल इन्नी सूझ बूझ वाले मिलते नहीं होंगे।